आज निर्भय फिल्म्स ने अपनी आने वाली फिल्म टैक्सी ड्राइवर और भाभी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस मौके पर फिल्म के मुख्य कलाकार राहुल खन्ना, सूफी सिंगर कर्णिका शर्मा, तानिया खान, निर्भय यादव एवं अन्य लोग मौजूद रहे। बहुत ही जल्दी ही फिल्म दर्शकों को देखने को मिलेगी। एक टैक्सी ड्राइवर के जीवन पर आधारित यह फिल्म टूरिस्ट के लिए वरदान साबित होगी। जो अनजान लोग किराए की गाड़ी लेकर हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं और अनजान टैक्सी ड्राइवरों के सहारे हिल स्टेशन पर अपना वक्त गुजारते हैं, उन पर भरोसा और विश्वास दिखाते हैं, आपस में एक भाईचारे वाला रिश्ता बन जाता है। यह फिल्म आपसी भाईचारे का संदेश देती है। एक अनजान परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। इसे एक बार ज़रूर देखें। एक ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगा और इसमें काफ़ी अच्छा मैसेज है। एक टैक्सी ड्राइवर होता है जो एक कपल होते हैं, हस्बैंड मुंबई में रहता है, वाइफ बिहार में रहती, वो आते हैं, हस्बैंड चाहता है कि अपनी वाइफ को घुमाने के लिए, तभी वो लोग मुंबई लेके आते हैं वो उनको, फिर वो पूरा मुंबई दर्शन करवाते हैं, घुमाते हैं। तो इसी बीच एक टैक्सी ड्राइवर होता है, वो टैक्सी ड्राइवर और भाभी जी जो टाइटल है, तो भाभी जी बड़ी इमोशनल टाइप की होती है, तो वो टैक्सी ड्राइवर को अपना भाई बना लेती है, लाइक दिस दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो इस तरीके की स्टोरी है और मेरा मानना ये है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो ड्राइवर होते हैं वो सारे एक जैसे तो नहीं होते हैं, कई चीज़ें होती है, लेकिन एक उनके लिए सपोर्टिव मैसेज है कि हर ड्राइवर भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी पे किसी भी आप कहीं जाते हो, कहीं बाहर आप टैक्सी बुक करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो उसमें आपका कुछ सामान चोरी हो गया या आप ड्राइवर पे बहुत भरोसा करके अपना सामान छोड़ देते हैं कई बार, तो वो अगर चोरी हो गया तो उसका ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि ड्राइवर ने ही चोरा हो, शायद ड्राइवर के साथ भी कुछ हादसा हुआ हो, वो हमें नहीं पता। तो इस तरीके के बीच में कुछ हादसे भी होते हैं, कुछ नोक झोंक है, कॉमेडी है, इमोशन है, सारी चीज़ें हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। टैक्सी ड्राइवर जो ये मूवीज कब रिलीज होगी? ये 15th को रिलीज़ हो रही है। टैक्सी ड्राइवर के बारे में आपने क्या कहना चाहूँगा कि मैं खुद टैक्सी चलाता भी हूँ, तो मुझे नॉलेज है क्या क्या घटनाएँ घटती है, और निर्भय फिल्म्स मेरा कंपनी का नाम है, और मैं सोचता था कि कुछ अलग हट के बनाऊँ, तो बहुत कुछ बनाया, हम लोग देख रहे हैं, वाहवाही हो रहा है, तो इसी बीच में भी मुझे अच्छा लगा, जिस चीज़ को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोग देखिएगा। अगर ये चलता के बीच में अगर ये मूवी रिलीज होती है तो कैसा प्रसाद मिलेगा आपको इसमें? बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है नाम सुन के कि बहुत ही अच्छा है, पहले जो मैं बनाए लोग देखे हैं तो उससे तारीफ कर रहे हैं कि आप एक एक चीज़ प्रेजेंट हट के कर रहे हो, जैसे आगे हम बनाते रहेंगे हट के सब कुछ। इस चीज़ में कौन एक्टर है, कौन किरदार है, क्या है? मेन एक्टर हमारे राहुल जी हैं जो सामने ही आप लोग देखे, भाभी जी का रोल कर रही हैं सामने जो है आपने बताया, और जो इसका प्रोड्यूसर हूँ जो मैं सामने खड़ा हूँ जो बोल रहा हूँ आप मुझे देख ही रहे हैं। आपको एक टैक्सी ड्राइवर का एक आपने रोल किया है इसमें, इस मूवी का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जब लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, हिल स्टेशन या कहीं भी जाते हैं, तो वो ट्रेवल की गाड़ियाँ लेते हैं रेंट पे, और उसमें सामान उनका होता है, एक जिम्मेदारी होती है टैक्सी ड्राइवर की और जो घूमने वाले टूरिस्ट होते हैं उनके बीच में कच्चा संबंध बन जाता है, और यही एक मैसेज है लोगों के लिए। टैक्सी ड्राइवर और भाभी जी देख रहे, नाम से तो टाइटल से आप लोगों को कुछ भी लगे, लेकिन समाज के लिए एक मैसेज है कि जिस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं उसी तरह से एक टैक्सी ड्राइवर को भी समझे, और वो जो टैक्सी ड्राइवर हैं जो अपने जो उनके टैक्सी में घूमने वाले लोग होते हैं, क्लाइंट होते हैं, उनके सामान की जिम्मेदारी करना भी उनका एक फ़र्ज बनता है। तो ये आपस में अगर जो एक पॉजिटिव थिंकिंग रख करके अगर समाज में रहते हैं, तो जो इल्ज़ाम लग जाता है कि हमारा सामान चोरी हो गया, टैक्सी ड्राइवर चोरी करवा लिया होगा या कुछ गलत ऐसा कर दिया होगा, तो ये एक समाज में गलत मैसेज जाता है। हम उसी मैसेज को पॉजिटिव में बना करके तमाम भारत के जो टैक्सी ड्राइवर हैं, ट्रेवल एजेंट की गाड़ियां जो चलाते हैं, या जो और भी ऐसे लोग हैं जो टैक्सी ड्राइवर को चोर समझ लेते हैं, अगर सामान कहीं खो जाता है, गुम हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि किसी की मिलीभगत से हमारे सामान को कहीं चोरी करवा दिया, तो इसी मैसेज को हम पॉजिटिव तौर पर देने की कोशिश कर रहे हैं समाज के अंदर।